नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया, कहा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों के खिलाफ नहीं कर रही है कार्रवाई, अगर जरूरत पड़ी तो अकेले ही आतंकियों के खिलाफ करेंगे कड़ी कार्रवाई। पॉर्न स्टार ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया आरोप, कहा ट्रंप ने जबरन किया था किस, रात बिताने के लिए दिया था ऑफर। अब तो 11 महिलाएं ट्रंप पर लगा चुकी हैं यौन उत्पीड़न का आरोप। अमेरिकी चुनाव जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नया दांव, हिंदू मंदिर में दिवाली मनाएंगी ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं की थी तारीफ। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को मिली 20 साल की जेल की सजा। एक आपराधिक अदालत ने 2012 में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के जुर्म में मोहम्मद मुर्सी को पाया दोषी। 2012 में मिस्र के राष्ट्रपति बने थे मुर्सी। अंतरिक्ष में एक साल बिता चुके अमेरिकी यात्री स्कॉट केली ने कहा चीन और भारत में वायु प्रदूषण का स्तर स्तब्ध करने वाला। साल 2015 की गर्मी के मौसम में अंतरिक्ष में थे केली। हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस के आरकाहाई जेल से भागे 170 से ज्यादा कैदी, गोलीबारी में एक गार्ड और एक कैदी की हुई मौत। कैदियों ने जेल से चुराए 5 राइफल। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।